आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। आपको बता दें, बंगला इंटर कॉलेज के मैदान में दौड़ की प्रैक्टिस के दौरान गुजरोगी निवासी राजा का कंधा दूसरे युवक से टकरा गया। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। युवक ने धमकी देते हुए परिचित पुलिसकर्मियों को बुला लिया। वहीं बाइक से सादी वर्दी में पहुंचे दो पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर राजा की पिटाई की और जबरन थाना हाथरस गेट ले गए। वहीं पुलिस की इस हरकत से नाराज खिलाड़ियों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया तो कोतवाली निरीक्षक ने राजा को छोड़ दिया। आपको बता दें, पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर धमकाने मार पीटने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा प्रथम दृष्टि दोषी पाते हुए थप्पड़ मारने वाले आरक्षी को लाइन हाजिर कर दिया तथा इसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। प्रारंभिक जांच क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गिजवाड़ी का रहने वाला हूँ। तो क्या किस्सा हुआ है पूरा मामला? मैं बांगला में रनिंग कर रहा था। हाँ? तो रनिंग करते था, एक भाई के मेरे शोल्डर में शोल्डर लग गया था। तो उसने मुझे गाड़ी क्रॉस करी, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझसे कह रहा था तू सही, मैं बांगला में रनिंग करने दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है ये और वो। फिर उसने एक पुलिस वाले को फोन करा, पुलिस वाला आया, उसने मुझे गाड़ी क्रॉस करी और उसने मेरे थप्पड़ भी मारा। पुलिस वाले ने कहाँ पे तैनात है? वीडियो है।